ये वाला जो पर्टिकुलर सीज़न है ये है आशिकी. अगेन यू नो हम लोगों ने जब हम सीज़न वन कर रहे थे तो सीज़न वन में ये है आशिकी में आपने देखी कई सारी रियल लाइफ लव स्टोरीज़ जो बिलीवेबल अनबिलीवेबल कई किस्म की ऐसी कहानियाँ जो शायद आपको आम जिंदगी में सुनने को नहीं मिलती है. और उसके बाद आपने सीज़न टू देखा जिसमें स्यापा इश्क का था. अब स्यापा ये था कि हर हर कहानी में कोई ना कोई स्यापा होता है, हर कहानी में कोई ना कोई विलन हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, वो था सीज़न टू. सीज़न थ्री जब आया है ये है आशिकी का, इस पर प्रेडोमिनेंटली हमारा जो फोकस है वो है आशिकी पे कि द बेसिक लव बेसिक इमोशन ऑफ लव कि आप चाहें कितनी भी कोशिश कर लें, हर इंसान के अंदर प्यार होता है. एवरीबडी फॉल्स इन लव एट वन पॉइंट ऑफ द अदर. और वो कई कई बार ऐसा होता है कि आपकी ऐसे भी कितने सारे यू नो रिलेशनशिप्स होते हैं, अरेंज मैरिजेस हो जाती हैं, उसके बाद प्यार हो जाता है. तो आई थिंक वो जो लव का इमोशन है वो कॉमन रहता है. तो आई थिंक इसमें आशिकी पे फोकस है, वो इटर्नल लव स्टोरीज़, वो नेवर एंडिंग लव स्टोरीज़, वो यू नो हार्ट फेल्ट लव स्टोरीज़, वार्म लव स्टोरीज़. दैट्स वॉट ये है आशिकी सीजन थ्री इज़ गोइंग टू बी अबाउट. वैलेंटाइंस की बात आती है तो मुझे सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि मुझे कैसे इस बंदे ने चेंज कर दिया, अपने जैसा बना दिया कि वैलेंटाइंस डे क्या होता है, रोज़ ही वैलेंटाइंस डे है यार, कभी भी मनाओ. तो मैं बिल्कुल इसके जैसी हो गई हूँ वैलेंटाइंस डे के मामले में. हाँ, यही आता है दिमाग में. ए बाबरी ये आशिकी गुस्ताख सी, ये आशिकी इसमें बहुत प्रेशर होता है हर लड़कों के लिए, हर लड़के के लिए कि भाई कुछ ना कुछ करना है, लड़की को पटाना है या फिर जो ऑलरेडी लड़की है तो उसे स्पेशल फील कराना है. प्रेशर में सारे लड़के मर जाते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि अगर प्यार ही करना है तो साल के 365 दिन करो ना, सिर्फ एक दिन करके कुछ मतलब नहीं है. क्योंकि अब सिर्फ एक ही दिन करोगे तो 365 दिन के लिए रहेगी नहीं. तो बाकी के दिन वैलेंटाइंस बनाओ, एक दिन आराम करो मेरे.